हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं रियल मी टेक लाइफ वॉच R100 की रिव्यू। दोस्तों, हम आपको सब कुछ बताएंगे, इस वॉच की प्राइस क्या है, इसकी स्क्रीन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रियल मी टेक लाइफ वॉच R100 में बहुत ही शानदार 1.32 इंच का सर्कुलर डायल कलर टच स्क्रीन लगा हुआ है। ये वॉच IP68 वाटर प्रूफिंग के साथ में आती है। 24 आवर हार्ट रेट ट्रैकिंग है, SpO2 मेजरमेंट है और साथ ही साथ एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का इसमें सपोर्ट भी है। इसमें साथ ही साथ स्पीकर और माइक्रोफोन भी लगा हुआ है, तो आप वॉइस कॉलिंग इससे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वॉच की स्पेसिफिकेशन क्या है। दोस्तों, Realme Tech Life Watch R100 में जो डिस्प्ले है वो 1.32 इंच की TFT LCD टच स्क्रीन है। ये 360x360 पिक्सल्स की है और 450 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है। इस वॉच में GPS नहीं है। स्ट्रैप इसके सिलिकॉन के बने हुए हैं जो कि 22 मिलीमीटर के हैं। Realme Tech Life Watch R100 वाटर रेजिस्टेंट है, IP68 की इसमें सर्टिफिकेट है। ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी को यूज करती है और एंड्रॉयड 6 और उससे ऊपर के जितने भी डिवाइस हैं और iOS में 9 और उससे ऊपर भी जितने डिवाइस हैं उन्हें ये वॉच सपोर्ट करती है। Realme Tech Life Watch R100 के अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, एक्सीलरोमीटर और जायरोस्कोप ये सभी मिल जाती है। इस वॉच की बैटरी 380 mAh की है जो कि लगभग 7 दिनों का आपको बैकअप दे देती है। कलर के मामले में बात करें तो ब्लैक और ग्रे दो ऑप्शंस में ये अवेलेबल है और अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो वो 46 ग्राम है। Realme की इस वॉच में बॉक्स कंटेंट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा Realme Tech Life Watch R100। दूसरी चीज़ आपको इसमें मिलेगी एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और तीसरी चीज़ यूज़र मैनुअल। तो बस ये तीन चीज़ें ही आपको इसमें मिलने वाली हैं। अब अगर डिज़ाइन और बिल्ड की बात की जाए तो Realme Tech Life Watch R100 सर्कुलर डायल डिज़ाइन के साथ में आता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है, क्योंकि इसमें जो बेजल हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। इस तरह की शुरुआत सबसे पहले Samsung Galaxy Watch ने की थी। साथ ही साथ इसकी जो फिनिश है वो मैट की है, वो भी मेटालिक के साथ। और जो इसमें डायल है 46 मिलीमीटर का डायल, जो सिलिकॉन के स्ट्रिप्स लगे हुए हैं काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं इस वॉच को। साथ ही साथ ये बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही प्रीमियम दिखता है क्योंकि ये राउंड शेप का है, जबकि अदर स्मार्ट वॉच अगर इसी रेंज में देखें तो वो स्क्वायर शेप में आते हैं। ये Realme Tech Life Watch R100 की जो वॉच है वो IP68 वाटर रेजिस्टेंट डिज़ाइन के साथ में आती है। ये वाटर को भी रोक सकती है और डस्ट को भी कुछ लिमिट तक रोक सकती है। तो अगर आप इसे पहने पहने स्विमिंग करना चाहते हैं या शावर लेना चाहते हैं या बारिश में आप चले गए हैं तो कोई इससे आपको परेशानी नहीं होने वाली है, वॉच को कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो पहनने में कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिलिकॉन के स्ट्रैप दिए गए हैं। स्ट्रैप काफ़ी अच्छे हैं, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। इस वॉच में दो बटन्स आपको राइट साइड पे लगे हुए मिलेंगे। जो ऊपर वाला यानी टॉप बटन है उसे अगर आप प्रेस करते हैं तो आप होम पे आ जाएंगे, यानी डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पे एक सिंगल टैप के जरिए आ सकते हैं। और अगर आपने इसे डबल टैप किया तो आप मेन मेनू में पहुंच जाएंगे। जबकि जो दूसरा बटन है उससे आप
इस वॉच के स्पोर्ट्स मोड में इंटर कर सकते हैं, यानी कि आपको कौन से स्पोर्ट मोड में सेलेक्ट करना है आप डायरेक्टली एक बटन को क्लिक करते ही आप उस मोड में पहुंच सकते हैं। लेफ्ट साइड में इसके लाउड स्पीकर है और एक माइक्रोफोन है, और इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और एलेक्सा की फैसिलिटी है। और बैक साइड में आप देखेंगे इसमें कॉन्टीन्यूअस हार्ट रेट सेंसर है, SPO2 के सेंसर है, साथ ही में चार्जिंग पिंस है, USB मैग्नेटिक चार्जर इसी में अटैच हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इस वॉच के डिस्प्ले की बात करें तो ये जो वॉच R100 है इसमें 1.32 इंच की एक सर्कुलर LCD डिस्प्ले लगी हुई है, जिसका रिजोल्यूशन 360x360 है और इसकी पीक ब्राइटनेस 450 निट्स की है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 1.32 इंच काफ़ी पर्याप्त साइज है, यह सबसे बड़ा तो नहीं है पर फिर भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लैंस देखनी हो तो उसके लिए ये आइडियल है। साथ ही साथ ये राउंड शेप का है, काफ़ी अच्छा लगता है हाथों में, और जो 450 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी लोगों के लिए पर्याप्त है, यानी कि आप अगर धूप में भी खड़े हैं हार्श सनलाइट में तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वॉच में जो आइकन्स हैं या जो टेक्स्ट है काफ़ी शार्प नज़र आती है। हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस डिस्प्ले के, जो सबसे पहला क्योंकि ये TFT LCD है तो इसमें जो कलर रिप्रोडक्शन है वो एक्यूरेट नहीं है और कलर्स इतने पंची नहीं लगते, थोड़े से वॉश्ड आउट लगते हैं, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। और जो ब्लैक लेवल्स हैं वो ब्लैक जैसे तो दिखते नहीं हैं, वो थोड़े से ग्रे जैसे दिखते हैं क्योंकि वो सभी LCD डिस्प्ले में होता है, क्योंकि यह AMOLED नहीं है तो ये फीचर्स आपको इसके साथ नहीं मिल सकते। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें ब्राइटनेस वगैरह के 5 लेवल दिए गए हैं, और आप ऑटो ब्राइटनेस पे भी इसको आप अपने ऐप के जरिए कर सकते हैं। Realme R100 जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ में नहीं आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। हाँ, अगर वॉच फेस की बात की जाए तो आपको इसमें 7 से 8 प्रीलोडेड वॉच फेसेस मिल जाते हैं, और 100+ एडिशनल वॉच फेसेस आपको Realme Wear ऐप के जरिए मिल जाएंगे। वॉच फेसेस काफ़ी देखने में कूल हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, कलरफुल हैं और डेकोरेटिव हैं, तो ये कस्टमाइजेशन का बात है। अगर हम इस वॉच के फीचर और UI की बात करें तो Realme Tech Life Watch R100 आपको एक कस्टमाइज इंटरफेस ऑफर करता है, यानी कि इसमें स्मूथनेस तो है पर कहीं कहीं ये UI हल्का सा लैग जरूर करता है, और तो जो इसमें वो हैं क्या बोलते हैं एनिमेशंस उसमें थोड़ा ये स्ट्रगलिंग करता है। वैसे अगर हम बात करें इस वॉच में तो हेल्थ और फिटनेस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी जो है इसमें फीचर्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ ब्लूटूथ कॉलिंग की भी फीचर दिया गया है। आप अपने डेली के एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, कंटिन्यूस हार्ट रेट, SPO2 स्ट्रेस और स्लीप ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे अपने फ़ोन में 100+ स्पोर्ट्स मोड उसे भी आप हैंडल कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं और फाइंड माई फ़ोन फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आपका फ़ोन कहाँ है। Realme Wear ऐप के बारे में हम बताएं तो Realme वॉच R100 Realme Wear ऐप के जरिए चलता है। ये ऐप आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें सबका डेटा आपको मिलता है, जैसे कि आपके फिटनेस रिलेटेड डेटा जो कि ये वॉच कलेक्ट करता है, जैसे आपकी स्टेप काउंटिंग, आपकी कैलोरी बर्न्ड, आपका स्लीप डेटा, आपका लीस्ट वर्कआउट स्टेट्स, हार्ट रेट और ये सब कुछ आपको इस ऐप के जरिए मिल जाता है। इस ऐप में आपको फ़ोन का GPS
यूज करने की फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि वॉच में तो GPS नहीं है, लेकिन यहाँ पर यानी कि फ़ोन में तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप एक्यूरेट आउटडोर ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वॉच आपको सभी ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराता है, जैसे कि गूगल फिट या स्रवत्ता सिंक वर्कआउट, ये इस तरह की फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाती हैं। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो ठीक ठाक एक्यूरेसी आपको मिल जाती है, जैसे मतलब ये वॉच बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है ट्रैकिंग के मामले में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है अगर हम दूसरे बजट स्मार्ट वॉच से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो Realme Tech Life Watch R100 के अंदर 380 mAh की बैटरी आ जाती है, जो आपको 7 दिनों की बैटरी लाइफ प्रदान करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 डेज की ही बैकअप मिले, ये और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आप इसे मान लीजिए ऑल इसका जो डिस्प्ले है आप उसे फुल ब्राइटनेस पे लगा के रखते हैं, और अगर इसका हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, स्ट्रेस ट्रैकिंग लगातार कई बार और बार बार कॉल भी अटेंड करते हैं, तो फिर ये बैटरी काफ़ी कम हो सकती है, ये हो सकती है कि आपकी 3 या 4 दिन ही चले। लेकिन हमने जो पाया अगर अपने रेगुलर यूज किया हमने इसे, तो हमें तो 7 दिन की इसमें बैटरी लाइफ मिल रही थी, क्योंकि हमने एक ज़्यादा कॉल तो अटेंड किए नहीं, क्योंकि स्पीकर पे कॉल हर जगह अटेंड किए नहीं जा सकते, घर के बाहर काफ़ी शोर होता है तो सुनने वाले को भी दिक्कत होगी और करने वाले को भी दिक्कत होगी। ये तो इस हिसाब से कि अगर आप घर में हैं, वॉच पहने हैं और फ़ोन अभी आपका दूर है, तो आप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या कहना चाहेंगे इस वॉच के बारे में, तो देखिए ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा Realme Tech Life Watch R100 जो है एक अच्छा स्मार्ट वॉच है, क्योंकि इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 3999, और ऑफर्स में मुझे लगता है शायद ये आपको 3000 की भी पड़ सकती है। उस हिसाब से सोचें तो काफ़ी अच्छी वॉच है, और हमारी ओर से बिल्कुल भी ये वॉच रिकमेंडेड है। अगर हम 5-स्टार रेटिंग की बात करें तो हम इसे देना चाहेंगे 4.2, जो कि एक अच्छी है। अब अगर हम इसके गुड स्टफ़ की बात बताएं तो इसके अंदर स्टाइलिश डिज़ाइन है, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है, ये वॉच कंफर्टेबल है, और इसके अंदर एक अच्छे ऐप का सपोर्ट आ रहा है, अच्छे ब्रांड की तरफ से आ रहा है, और IP68 वाटरप्रूफिंग भी है। अगर इस वॉच की हमें 2 खराबियाँ निकालना चाहें तो हम ये कहेंगे इसका UI काफ़ी स्लो है, कभी कभी लैग करता है, और जो एक्टिविटी ट्रैकिंग है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर ना लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है, कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।